गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। यस्टरडे वी विल स्टडी अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। नाउ टुडे अवर टॉपिक इज फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ स्टेम, देन आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शन ऑफ स्टेम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम, आई कैन राइट ऑन द बोर्ड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो आफ्टर अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। टू स्पोर्ट एंड बियर लीव्स बर्ड्स फ्लोवर एंड फ्रूट्स, वेयर दीज स्ट्रक्चर मीन्स लीव्स बर्ड्स फ्लोवर एंड फ्रूट्स आर अटैच्ड, दीज आर अटैच्ड ऑन द स्टेम और इट्स ब्रांचेज। सो टू स्पोर्ट एंड बियर लीव्स बर्ड्स फ्लोवर एंड फ्रूट्स। सेकेंड, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्लांट। एज वी नो द लीफ इज द स्ट्रक्चर विच कैन मेक्स फूड फॉर द प्लांट। सो लीफ नीड्स मिनरल न्यूट्रिएंट एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट। सो इट इज द फंक्शन ऑफ रूट हु कैन एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स और वाटर फ्रॉम द सोयल। सो रूट इज एब्जॉर्ब बट स्टेम ट्रांसपोर्ट इट टू द लीफ एंड रेस्ट ऑफ द प्लांट और द प्लेस वेयर दे आर नीडेड। थर्ड, टू ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। एज वी नो लीफ इज द स्ट्रक्चर इन विच फूड इज मेड एंड फ्रॉम लीफ टू नीडी पार्ट और वी कैन से टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट स्टेम ट्रांसपोर्ट दिस फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ। नेक्स्ट, द ग्रीन स्टेम्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस आल्सो। एज वी नो इन ओपनसिया यू कैन सी और इन हर्बेशियस प्लांट द स्टेम्स हैव क्लोरोफिल इन इट, सो दे कैन मेक फूड आल्सो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, टू सेव एज अ स्टोरेज हाउस ऑफ फूड मटेरियल। वेन एवर वी स्टडी अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इन मॉडिफिकेशन वी स्टडी फर्स्ट पॉइंट अंडरग्राउंड स्टेम। सो इन अंडरग्राउंड स्टेम वी कैन सी दैट दे आर द ऑर्गन ऑफ स्टोरेज फूड मटेरियल एंड दे आर ऑल्सो स्टेम। सो टू सेव एज अ स्टोरेज हाउस ऑफ फूड मटेरियल। नेक्स्ट, टू एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो वी स्टडी इन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम सब अंडरग्राउंड और सब एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म ए न्यू प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो टू एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एंड लास्ट, टू एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। स्टेम मेक्स प्लांट्स और पेरिनियल प्लांट टू सर्वाइव सो मेनी ईयर्स, दिस इज विद द हेल्प ऑफ स्टेम। एज वी नो इन अंडरग्राउंड स्टेम दे कैन सर्वाइव देमसेल्फ इन एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, सो दे आर द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लीफ। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर लीफ। लीफ इज द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ए प्लांट। लीफ इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। इट डेवलप्स फ्रॉम एज वी नो नोड ऑफ स्टेम और लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम और ए ब्रांच। एज आई टेल यू अर्लियर, एनी स्ट्रक्चर विच इज अराइजेज फ्रॉम स्टेम, इट मे बी लीफ, इट मे बी फ्लोवर, इट मे बी ब्रांच, इट कैन बी अराइजेज फ्रॉम द साइड ऑफ नोड। सो लीफ इज ऑल्सो अराइजेज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम और इट्स ब्रांच। इट जनरली बियर ए बड, इट्स एक्सिलरी एक्साइल कॉल्ड एक्सिलरी बड। द फर्स्ट लीफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द शूट मेरिस्टेमेट। द फर्स्ट लीफ अराइजेस फ्रॉम द शूट मेरिस्टेमेट इज कॉल्ड लीफ प्रीमोडिया। एंड एज आई टेल यू अर्लियर दैट द फर्स्ट लीफ अराइजेस फ्रॉम द सीड दैट इज कॉल्ड कोटिलिडोन। सो हियर इज अ लीफ प्रीमोडिया विच कन्वर्ट इन टू अ लीफ आफ्टर मेच्योरेशन।
So you can see here the structure of leaf. First of all, this is the branch on which leaf is arises, and this part is called node, because each and every structure is arises from node, and this structure is also called leaf base. This structure is also called leaf base, and leaf base is also divided into parts, sheath and stipules. If there is any extra outgrowth present near the leaf, that is called stipule. If stipule is present, then the leaf is called stipulate, and if the stipule is not present, the leaf is called non-stipulate or a-stipulate. Sometimes there some buds are also present, that is called auxiliary bud. Next, the structure by which this part of the leaf is called lamina or blade, or we can say the flattened part of leaf is called blade or lamina. So this lamina is attached to the branch. The part is called petiole, means petiole is the cylindrical elongated structure that can hold the lamina to the branch or main stem, or we can say it is a stalk that the leaf by which is attached to the stem. Next, the flattened part is called lamina, and from petiole to at the end part of the leaf is called leaf apex. From petiole to leaf apex, there is a vascular structure found in a leaf, means xylem and phloem, in dense condition, and that vein is called midrib. From petiole to leaf apex, the transportation system, or we can say vascular system, is found in it, that is called midrib. And from midrib, there are so many lateral ribs are also arises, that is called vein. And from vein, there are so many structure also arises which can transport the material in the whole blade of leaf, that is called veins, or we can say capillaries, where the lateral midrib, or we can say lateral rib or vein, are attached to the lamina of leaf blade, that is called margin. So you have to remember what is margin. Margin, where lateral vein are attached to the blade, that is called margin. So this is our structure of leaf. If the petiole, in generally monocot plants, petiole is absent, so the leaf is called sessile. And whenever in dicotic lidon plants, we can see their petiole is present, so the leaf is called petiolate. When the leaf has petiole like structure in it, then it is called petiolate, and whenever petiole is absent, then it is called sessile. So this is the structure of leaf, and next topic is function of leaf. There is only three main function of leaf. As you know, first of all, this is the organ of food making. So we can say the place of photosynthesis. The leaf is the place of photosynthesis, and photosynthesis is the function by which leaf can make their food. Second, the function of leaf is exchange of gases. Whenever we see the internal structure of leaf, then we found its epidermis has so many stomatas, and by these stomata leaf can exchange the gas. As we know, we need first thing to survive, that is oxygen, and oxygen is produced by leaf.
with the help of photosynthesis, and that oxygen is released in the outer environment and leaf can absorb or take carbon dioxide from environment. So exchange of gases happens by leaf. And third main function is transpiration. Transpiration, what is transpiration? Transpiration is loss of water in the form of vapor. Loss of water in the form of vapor is called transpiration. So this is necessary evil in the plants, means transpiration. If we plant do not transpirate, then they can't absorb water. So these are the functions of leaf and structure of leaf. Thank you for today's class.